Hello, guys, welcome to my channel which is Learner Location. Today, we are going to discuss the textbook exercise of chapter 2 Components of Food. We have already discussed the chapter in detail uh, in the previous video, so please go and check my. Uh, वीडियो ऑफ चैप्टर टू नाउ डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड जो हमारे फूड के अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे फूड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रंट्स पाए जाते हैं तो वो उनमें से मेजर न्यूट्रेंट्स कौन से हैं तो मेजर न्यूट्रंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट फैट्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स वाइटमिनस एंड मिनरल्स दीज आर दी मेजर न्यूट्रेंट्स इन आवर फूड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलोंग विद इट वी ऑल्सो नीड रफिज दैट इज डाइट्री फाइबर्स एंड वोटर ओके बट दीज आर द मेजर न्यूट्रेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम नेम दी फॉलोइंग अब हमें बताना है कि जो इसमें पूछेंगे कि कौन सी चीज़ किस लिए है ठीक है तो दी न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ़ैट्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी तो जिसकी वजह से हम अपना जो काम है वो हम कर सकते हैं एनर्जी मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे ना तो इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ़ैट्स हैं Next question is the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. Growth and maintenance ke liye proteins and minerals. Proteins and minerals are needed for the growth of our body. Okay. वाइट अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड साइट गुड साइट किस गुड साइट के लिए हमें कौन सा विटामिन विटामिन की ज़रूरत है वो है विटामिन ए जैसे कैरेट uh, कैरेट के अंदर विटामिन ए मिलता है तो हमें कैरेट ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जिससे कि हमें uh, हमारी जो आईसाइट है वो ठीक रहे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी इज़ कैल्शियम कैल्शियम हमारे जो हड्डियाँ हैं उनको उनके लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम किसके अंदर मिलता है हमें दूध के अंदर हमें कैल्शियम मिलता है तो हमें ये दूध पीना चाहिए ताकि हमारे बोन्स जो हैं वो ठीक रहें वो उनमें ताकत बनी रहे वो अपना काम प्रॉपर करती रहें ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू फूड ईच रिच इन तो एक फू जो फ़ैट है उसके अंदर वो किस किस फूड के अंदर मिलता है फ़ैट जो है ग्राउंड नट के अंदर मिलेगा मूंगफली और बटर के अंदर इनके अंदर जो है फ़ैट हमें मिलेगा स्टार्च हमें मिलेगा राइस एंड मैंगो और इससे अलग भी है जैसे पटेटो है उसके अंदर हमें स्टार्च मिल जाता है ठीक है और जो है का डाइट्री फाइबर डाइट्री फाइबर पैटाटोज एंड पल्सेस इनके अंदर हमें डायट्री फाइबर्स मिल जाएंगे प्रोटीन फिश एंड ग्राम प्रोटीन हमें फ़िश और ग्राम के अंदर मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा वो हमें जैसे जो लोग प्रोटीन खाते हैं उनकी जो मसल्स हैं वो अच्छी रहती हैं जो जिम वाले लोग हैं जो जिम करते हैं उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत रहती है तो वो अपने जो प्रोटीन है उस वो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स से लेते हैं जैसे एग्स फिश चना और बीन्स इनके अंदर प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है टिक दिस ती स्टेटमेंट डेट आर करेक्ट जो करेक्ट है वो हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी क्या हम अगर अकेले चावल खाएंगे तो क्या हमारे जो बॉडी में हैं जो न्यूट्रिशंस हैं जिस जिसकी हमें ज़रूरत है क्या वो पूरे हो जाएंगे सिर्फ राइस खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे है ना तो हम कार्बोहाइड्रेट से तो हमें हमारा शरीर जो है वो चल नहीं पाएगा हमें उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत भी है हमें वाइटमिनस की ज़रूरत भी है हमें मिनरल्स की ज़रूरत भी है हमें फैट्स की ज़रूरत भी है हर जो है न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स अलग अलग काम करते हैं तो हमें एक से एक न्यूट्रिएंट्स के साथ हमारा जो है काम नहीं चल सकता तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट <coughs> है ये करेक्ट नहीं है दिस इज़ फॉल्स डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट दिस इज़ ट्रू क्योंकि अगर हम हम अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे बैलेंस डाइट मतलब जो हमारी जो मील है एक टाइम की मील दो टाइम की मील जितने भी हम खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मात्रा में हो जिस चीज़ की जिस न्यूट्रिएंट्स की जितनी ज़रूरत है वो उतना उस प्लेट के अंदर हो और उसे हम खाएं तो उस तो जो हमारे डेफिशेंसी डिजीज हैं वो हमें नहीं होंगे ओके तो इसका मतलब है ये आ, स्टेटमेंट है जो फो ट्रू है बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शूड अ वेराइटी ऑफ फ़ूड आइटम दिस इज़ करैक्ट क्योंकि अभी मैंने आप, आपको ये ऊपर समझा दिया अगर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ़ूड आइटम्स में हम लेंगे तो वो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देती हैं और जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो हमें मिलते रहते हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोल देंगे ठीक है मीट अलोन इज शफिशेंट टू प्रोवाइड ओल न्यूट्रिय टू दी बॉडी मीट जो बोल रखा है इन्होंने क्या वो अलोन सारे न्यूट्रिशंस को पूरा कर देगा नहीं अलोन मीट कैन नॉट प्रोवाइड ओल द न्यूट्रिय टू आवर बॉडी क्योंकि मीट के अंदर हमें मैक्सिमम मात्रा में प्रोटीन मिलता है और जो है जिससे हमें हमारे जो है दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड अदर अदर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी वो हमें नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो मीट है वो हमें नहीं प्रोवाइड करेगा सारे न्यूट्रिएंट्स आगे है क्वेश्चन फाइव फिल इन दी ब्लैंक्स फिल इन दी ब्लैंक्स रिकेटस इज कोज बाय डेफिशेंसी ऑफ विटामिन डी दिस इज़ करेक्ट डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी कोजिज़ अ डिजीज बेरी बेरी हमने पढ़ा था अगर विटामिन बी की कमी होगी तो हमें क्या होगा बेरी होगा ओके okay? और विटामिन डेफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कोज अ डिजीज़ विच इज़ कोज स्कर्वी जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होगा विटामिन सी कहाँ कौन सा है आमला संतरा जो सिट्रस फ्रूट हैं उन्हें विटामिन सी कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज ड्यू टू रेफिशेंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी जो नाइट ब्लाइंडनेस है मतलब जो रात होते ही, जिनको दिखना बंद हो जाता है वो विटामिन ए की कमी से होता है तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए हमें विटामिन ए जिस जिन फूड के अंदर विटामिन ए है हमें वो फूड खाने चाहिए ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड